मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, आयुष्मान योजना नहीं है, देखो ये तो और देखो, आप इधर देखो, जीवन रक्षा योजना, आप सुनो इस बात को। तो अक्सर क्या होता है, कोई एक्सीडेंट हुआ, हम कहीं जा रहे हैं, हमने कोई एक्सीडेंट देखा, हमारी पहली प्रतिक्रिया यह होती है कि यार इसको बचाया जाना चाहिए, पर हम देखते हैं कौन बचाए। हम गाड़ी वालों किसी कहते, भाई साहब आप ले जाओ यार इसको, भाई साहब आप ले जाओ यार, कोई अपने से कह देता कि तू ही ले जा। कई बार हम इसलिए नहीं ले जा पाते कि पुराने टाइम में तो लोग भयंकर डरते थे इन चीजों से, कि यदि हम हॉस्पिटल लेके गए, खुदा ना खास्ता रास्ते में डेथ हो गई, पुलिस पकड़ लेगी, तू मार के लाया था, ये लोग डरा करते इन चीजों से। हालांकि अब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई तो अब ऐसा नहीं है, इतनी चीजें नहीं है, पर फिर भी लोगों को यू लगता है। तो सरकार को लगा कि नहीं यार, यदि कोई बंदा पड़ा है तो उसकी जीवन रक्षा पहले की जानी चाहिए। तो सरकार एक योजना लेके आई है, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। साफ साफ लिखा है, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना। किसमें कमी लाना? दुर्घटना हो गई, पहली बात तो दुर्घटना ही नहीं होनी चाहिए भाई, सो सलाम महाराज, किसी के साथ में क्यों हो, पर यदि खुदा ना खास्ता किसी वजह से दुर्घटना हो गई तो बंदे की डेथ होनी नहीं चाहिए, बच्चे को बचाया जाए, जो भी बंदा है उसको क्या क्या जाना चाहिए, बचाया जाए। बचाने के लिए क्या है, जल्दी से जल्दी उसको कहां पहुंचाया जाए, हॉस्पिटल। तो इसके अंदर लिखा है न्यूनतम समय में हॉस्पिटल कैसे पहुंचा जाए, न्यूनतम, वो उसके लिए गोल्डन आवर है, वो क्या है, वो सुनहरी घंटे हैं उसके लिए, उसमें पहुंच गया तो बच सकता है, वरना फिल्मों की तरह है, आपने आने में थोड़ी देर कर दी, वरना तो मैं पक्का पक्का बचा लेता। वो जो भी बंदा उसको भर्ती कराएगा उसको बोला गया भला व्यक्ति। क्या बोला गया? स्मार्ट बंदा, गुड स्मार्ट बंदा, वो भला व्यक्ति है। उस भले व्यक्ति को सरकार ने कहा कि हम देंगे 10,000 रुपए। क्या देंगे? 10,000 रुपए। और साथ में उसको देंगे प्रशस्ति पत्र। क्या देंगे? पर मुझे इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी, कहा कि कौन चलाएगा योजना, तो कहा हॉस्पिटल वाले चलाएंगे, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कौन चलाएगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग वो चलाएगा, ठीक है भाई हॉस्पिटल का मामला, पर क्या रुपए कौन देगा, कहा रुपए भाई साहब परिवहन विभाग वाले देंगे। कौन देंगे? सड़क उनकी खराब थी, उनकी सड़क खराब थी, तब बंदे कैसा हो गया, तो एक सड़क सुरक्षा कोष बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक फंड बना हुआ उधर रोड के लिए, उस फंड में से रुपए लेके परिवहन विभाग देगा, चिकित्सा विभाग वालों का फोटो हम खिंचवा लेंगे, प्रशस्ति पत्र पकड़ा देंगे हम उसको, पर पैसे तुम लो, पैसे तुम्हारे द्वारा दिए जाएंगे। तो याद रहेगी आपके, कौन सी योजना बताओ, देखे आयुष्मान मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री भाई, मुख्यमंत्री आयुष्मान, क्या उद्देश्य है, सड़क दुर्घटना में मृत होने वाली मृत्यु दर में क्या लाना, इसके लिए व्यक्ति को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, वो जो जल्दी से जल्दी समय उसको क्या कहेंगे, वो जो बंदा होगा भला व्यक्ति गुड स्मार्ट पर्सन, उस बंदे को कितने रुपए दिए जाएंगे, 10,000 देगा कौन, संचालन कौन कराएगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, वो राशि कौन देगा, परिवहन विभाग का सड़क सुरक्षा कोष, कौन सा देगा, सड़क सुरक्षा कोष, कौन से विभाग का, तो परिवहन विभाग का सड़क सुरक्षा कोष जो होगा वो उस राशि उपलब्ध करवाएगा, और उधर चिकित्सा विभाग इसका क्या करेगा, संचालन। तो आज से भाई आपकी इस प्रकार की कोई घटना हो, हमें सबसे पहले उस बंदे को कहां पहुंचाना है, तो आप क्या कहलाओगे, भले व्यक्ति, क्या कहलाओगे, कितने रुपए मिलेंगे, कौन से कोष से, कौन से विभाग के, ये योजना कौन चला रहा है, कौन सी योजना, है ना। मेरे को याद है मैं 12th क्लास में पढ़ता था, कतरियासर गांव सुना आपने, कतरियासर बीकानेर के पास में, कतरियासर गांव जहां जसना जी महाराज का मेला लगता, ऊंट उत्सव होता बीकानेर में, ऊंट उत्सव होता, आजकल ऊंट उत्सव कतरियासर में नहीं होता, आजकल लडेरा की तरफ लेके आ गए, पर जनवरी के अंदर ऊंट उत्सव होता है। हम 12th में पढ़ते, ए दिन सारे दोस्त दोस्त इकट्ठे हुए कि यार कतरियासर वाला ऊंट उत्सव देखने के लिए चलते हैं, साथ में जसराज जी महाराज के हाथ जोड़ के आ जाएंगे, एक ऑल्टो गाड़ी, उसमें हम 7 लोग, स्टूडेंट लाइफ में यही था, हमारे पास ऑल्टो गाड़ी थी, हम इसमें राजी थे कि हमारे किसी दोस्त के पास गाड़ी तो है, वरना हो सकता आपको बस में जानी पड़े। अब 7 बंदे जैसे तैसे करके उसके अंदर बैठे हुए, पूरे दिन वहां पर कतरियासर में धोरे हैं खूब सारे, अलग अलग गेम्स होते हैं, उन गेम वगैरह को देखा हमने, कैमल फेस्टिवल ऊंट उत्सव होता है, वहां जो गेम होते हैं वो देखे, महाराज के हाथ जोड़े, शाम के टाइम वापस आ रहे थे, सर्दियों के दिनों में दिन भी जल्दी छिप जाते, अंधेरा हो गया था, हम आ रहे तो रास्ते के अंदर लोग इकट्ठे हो रखे, तो भाई क्या हुआ क्या हुआ, हम नीचे उतरे तो देखे कि भाई कोई एक्सीडेंट हो रखा है, हम पास में गए तो पता चला 2 बंदे लेटे हुए। तो अब क्या किया जाए, इधर उधर लोगों से पूछा, तो हमारे साथ एक सीनियर भैया थे, लोग क्या करते थे वहां से, तो हम सारे तो बाकी तो 12th वाले बच्चे, वो एक भैया जो थे LLM भी कर रखे, शायद RJS की तैयारी करते थे वहां से, वो उतरे, उन्होंने जाके एक बंदा जो
सीधा पड़ा हुआ था, उनको जाके पैर वेर हिलाए। तो जो पास में बंदे थे वो बोले, जो एक बंदे और पास में थे उन्होंने वो बोले कि भाई डेथ हो गई इनकी। कैसे आप? तो मेरे पैर टूट गया है और कोई कैजुअलिटी नहीं। कैसे हुआ, क्या हुआ? तो हम बाइक लेके जा रहे थे, हेलमेट नहीं लगाया हुआ था आगे वाले बंदे के। उनका कि भाई हमेशा मैं ही चलाता हूँ, आज इन्होंने जिद की थी कि नहीं नहीं थोड़ी दूर की तो बात है मैं चला लेता हूँ, और कोई टक्कर मार के चला गया। फिर एक बंदा कोई पीछे से आया, वो हमें रोड के साइड में करके चला गया, एक टक्कर मार के गया, दूसरे वाला रोड के साइड में करके चला गया। अब क्या किया जाए? हम वैसे ही खुद ही टावर, तो हमें तो खुद को डर लगे सबको कि नहीं यार क्या पता क्या हो जाएगा और हो जाएगा। अब इधर उधर दूसरी गाड़ियों को रुकवाया किसी का, तो हमने कहा तुम ही चले जाओ, तुम तो छोरे हो क्या है, इधर उधर चले जाओ, बसों में लटक के चले जाओ, हमारे साथ तो परिवार है, कहां किसको छोड़ के जाए पीछे। फाइनली मैं अब नहीं जानता वो कौन थे कौन नहीं थे, पर कोई आरएएस अधिकारी थे, वो वहां से मैम थे कोई, वो वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल रहे थे। उन्होंने रोका, उन्होंने हम ही खड़े थे वहां, हमसे पूछा भाई क्या हुआ, हमने कहा ऐसी ऐसी बात हुई। तो अरे इनको पहुंचाओ जल्दी। अरे तो पहुंचाएं कैसे, हमारे पास साधन तो तुम किस में हो, तो हम एक गाड़ी के अंदर है, तो उस गाड़ी के अंदर तो हमारे फिर बाकी लोग। तो तब ये घटना 2-3 मिनट की है, तब वो आ गए थे, हम खड़े थे, वो आ गए। तो उन्होंने कहा तुम मेरी गाड़ी में बैठो, उनको आप लेके जाओ। तो हम चार बंदों को तो हमने शिफ्ट किया उधर, एक ड्राइवर, दो बंदे हम और भाई, ड्राइवर ही वही हमारे साथ के दोस्त, जिनकी गाड़ी वही, और हम उनको लेके बैठे पीछे, मैं आगे बैठा, एक दोस्त वो चला रहे, एक दोस्त पीछे बैठा। वो बीकानेर तक हमसे एकदम बातचीत करते हुए आए, और वैसे हम दुख प्रकट करते हुए कि भाई ऐसा नहीं होना था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वो, मैं क्यों नहीं चला रहा था गाड़ी, मैं यदि गाड़ी चलाता तो ऐसा नहीं होने देता, ये वो हमसे बार बार कह रहे थे कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल लेके चलो, प्राइवेट हॉस्पिटल लेके चलो। हम उनके घर वालों से बातचीत कर रहे थे, तो उनके घर वाले कह रहे थे कि नहीं आप लेके जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहां फटाफट इलाज करवा लेंगे, हम वहां पहले से पहुंच गए। तो हमने उनको एक बार बीच में बोल दिया कि नहीं वो घर वाले तो गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, वो करने घर वालों को आप फोन कर दो इधर प्राइवेट के अंदर जाए, प्राइवेट में जाए। तो हमें लगा यार इस जद्दोजहद के अंदर तो अपने कभी इधर मोड़ेंगे इधर मोड़ेंगे, बंदे के साथ क्या हो, अपने इनको कहते हैं प्राइवेट लेके चलते हैं, पर अपने लेके गवर्नमेंट चलेंगे क्योंकि इनके घर वाले वहां पर खड़े हैं पहले से। ठीक बीकानेर में घुसे, वो बोलने बंद हो गए। अब हमें डर लगे यार, बंदा बोल रहा था इतनी देर आता ही कर रहा था, अचानक चूंकि उनके लगी हुई थी तो ब्लड निकल रहा था, छोटे बच्चे थे इतना ही सुना हुआ था कि खून ज्यादा निकल जाता तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, और हमारी पीछे वाली गाड़ी की जो सीट है पूरी लाल हो रही थी, तो खून तो निकल ही रहा था उनका, अब क्या हुआ। तो हमने वापस एक दूसरे की तरफ तीनों देखा, तीनों के चेहरे फक, हमें लगा आज गए है ना, अब पुलिस अपने को पकड़ लेगी। टावरों को इतना ही था कि अब वो पुलिस वाले तैयार कर रहे हैं, तुमने इसको टक्कर मारी है, और हमें लगेगी यार वो जो अपने चार बंदे वो जो आरएस मैम है उनकी गाड़ी में है, यदि वो मैम कह दे कि इन्होंने नहीं मरी तो अपने बच सकते हैं। इतने में वो जो पीछे बैठते उन्होंने वापस उनको कहा कि अरे पानी पी लो, तो वो वापस शायद या तो जबकि आ गई होगी या आंख बंद कर ली होगी, बोलने बंद हो गए होंगे, सोचने लगे होंगे, पानी वानी पिया, हॉस्पिटल लेके गए, वो बच गए थे, उनके ज्यादा लगी भी नहीं थी, उनकी कैजुअलिटी भी। उस दिन योजना होती तो हम भले व्यक्ति कहलाते। हमने दूसरे दिन तो भी मुझे अब भी याद है कि हमें तब भी डर लगता था कि हम उनको छोड़ के आ गए, वो जो सीनियर भैया थे उन्होंने हमें खूब कहा अरे कुछ नहीं होगा, मैं वकील हूं और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ऐसे कैसे हो सकता, मैं तुम्हारा भाई हूं, कुछ होगा तो मैं सबसे आगे खड़ा हूं यार, तुम्हारे मेरे को पकड़ के लेके जाएगी। पर हमें से ही आपस में बात करेगी यार, कल को पुलिस अपने कह देगी यार तुम क्यों उठा के लाए, तुमने तो टक्कर नहीं मार दी थी, तुम्हारी गाड़ी में खून क्यों लगा हुआ है, इस प्रकार के कोई सवाल ना आ जाए। अब ऐसे ना है, इसके लिए सरकार प्रोत्साहन देती है, सरकार कहती है नहीं ऐसे लोगों को हम बचाएंगे, उनको हम भले व्यक्ति घोषित करेंगे, उनको कितने रुपए दिए जाएंगे, 10,000। अगले दिन अखबार में हमारा भी है, अज्ञात युवकों ने एक व्यक्ति की जान बचाई। हमने दूसरे दिन अखबार पढ़ा, हमें अच्छा लगा कि यार कम से कम कैजुअलिटी तो नहीं हुई, बंदे बच गए, हालांकि उनके वो मैं कह रहा हूं पैर ही टूटा था उनका, बाकी लगी नहीं थी, दूसरे बंदे की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। तो आप भी यदि ऐसा कुछ हो तो हाथों हाथ पहले हॉस्पिटल लेके जाएं, डरने की कोई आवश्यकता, मैं डरा हूंगा लेकिन आपको डरना, सबसे पहले तो अपने घबराना किसी भी तरीके से ना, चलो।